हे गाइस, मेरा नाम है रजत। आज हम बात करेंगे सोनालिका टाइगर इलेक्ट्रिक के बारे में। ये पहला ट्रैक्टर है जो कि यूरोपियन डिज़ाइन के साथ आता है और इलेक्ट्रिक है किसी बड़े सिग्निफिकेंट प्लेयर के साथ। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी आपको कंपनियां मिल जाएंगी इंडियन मार्केट में जिन्होंने अपने ट्रैक्टर लॉन्च करे हैं। ठीक है, बट सोनालिका एक मार्केट लीडर है ट्रैक्टर सेगमेंट्स में। ठीक है, तो आज हम इस ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे और इस ट्रैक्टर पे जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है, कैसे आप 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी ले सकते हैं उस पे बात करेंगे। प्लस एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने अपनी क्लिप की मुझे परमिशन दी है ऐड करने की, उन्होंने ये रिव्यू करा है एक जगह पे जाके, तो वो क्लिप भी वीडियो के लास्ट में आपको अटैच मिलेगी। सो मुझे उम्मीद है आपको पूरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो हम शुरू करते हैं, ट्रैक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर के सारे स्पेक मेंशन हैं, वो आप मुझसे बेहतर जान पाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसकी पावर कितनी है, टॉर्क कितना है, बैटरी कैपेसिटी कितनी है, टायर कितने हैं, क्या मोटर में कितनी पावर है, इससे मोटा माटी आपको कितने बेनिफिट मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो और आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे ये फुल साइज ट्रैक्टर नहीं है, ये मिड साइज ट्रैक्टर है। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसमें कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैटरी ऑपरेटेड है और ये एक बार में 8 घंटे तक चल सकता है। ठीक है, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें नॉइस नहीं होगी। जब आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे तो किसी टाइप की कोई नॉइस नहीं होगी, वो वेरी प्रेडिक्टेबल है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। ठीक है, इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, तो आपके खेत से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो सारे निपट जाएंगे। और लोगों को एक कंसर्न होती है पावर, कितनी पावर ये जनरेट करता है, तो पावर ये अच्छी जनरेट करता है। लास्ट में जो वीडियो है उसमें आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये अच्छी पावर जनरेट करता है। ठीक है, आपके जो मेगा ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी टाइप से नहीं, आप 6 लाख के हिसाब से जो ट्रैक्टर लोगे उस हिसाब से सोचिएगा, तो एक अच्छी पावर जनरेट करता है। ठीक है, लो में कर लो जी, लो में, ये तो ताकत बहुत है इसमें ना। दोस्तों देखो इसकी लो की स्पीड कितनी अच्छी आ रही ट्रैक्टर की, और इतने बढ़िया से ये रोटावेटर को चला रहा है, क्लिच सिस्टम बहुत बढ़िया है इसका, और देखो कितनी आरपीएम है इसके, ज्यादा है, बड़े बढ़िया से चला रहा है। और देखो आप इसकी कोई मजाक नहीं है किसी तरह की, इसकी गहराई भी बहुत ज्यादा आ रही है, कम से कम 3 इंच। अभी ये बिल्कुल मुंजी का धान का पट खेत पड़ा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो यहाँ पे नोटेड है, देखिए 1.4 रनिंग कॉस्ट है इसकी। ठीक है, सारी चीज़ों का अब वो रनिंग कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आपके लिए कर देता हूँ। जैसे आप कोई नया ट्रैक्टर लेते हो, ठीक है, तो आप लोगे फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो जैसे 5 लाख का ट्रैक्टर लिया बट ऑन रोड वो आपको 5, 5.5, 5, 60 ऐसे ही पड़ता है ना जाके, करेक्ट। सो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम अनरिवील करी थी तो उन्होंने ये पॉइंट इंक्लूड करा है कि इसमें आपकी कोई भी ड्यूटी नहीं होगी, रोड ड्यूटी नहीं होगी, जिसका मतलब है आपके हार्डली 2 से 3 हज़ार रुपये लगेंगे। ठीक है, जो कि आप जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बेसिक पेपर वर्क, राइट। कुछ कुछ स्टेट्स में तो केवल 200-300 रुपये लगते हैं ईवी पेपर वर्क के। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, मैं उसको 2-3 हज़ार रुपये मान के चलता हूँ कि 2-3 हज़ार रुपये लगेगा और आपका डन हो जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस एडिशनली आपको लेना पड़ेगा, वो आपको आई होप पता होगा। इसके अलावा जैसे आप डीजल लेते हैं, पेट्रोल आपके ट्रैक्टर में पड़ता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक होगी, जो मतलब जो लाइट से चार्ज होगा, तो इसमें इसकी रनिंग कॉस्ट 1.4 आएगी। व्हीकल ओनिंग की भी कॉस्ट कम है इसमें, प्लस इसमें रनिंग कॉस्ट भी कम है, ये बहुत अच्छी चीज़ है किसानों के लिए। छोटा किसान हो सकता है 6 लाख रुपये बहुत बड़ी चीज़ है, हो सकता है ना खरीद पाए, यही छोटे किसान की बड़ी समस्या होती है, कई सुविधाओं का वो लाभ नहीं ले सकता। बट जो भी व्यक्ति ले सकता है, जो प्लान कर रहा है, वो बिल्कुल इस ट्रैक्टर को ले, मुझे लगता है इससे उसकी बचत काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा टॉपिक था, कैसे इस ट्रैक्टर को आप इसमें 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी ले सकते हो। ठीक है, ये स्कीम बहुत अच्छी है। सबसे पहले ये स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, अप्रिशिएट दोज गाइज ऑन इट, राइट। इसमें आप 25% की सब्सिडी है इस ट्रैक्टर पे, एक ही ट्रैक्टर है, मतलब रेनो बड़े ब्रांड की तरफ से अभी तक एक ही ट्रैक्टर है। ठीक है, तो उसमें 25% की सब्सिडी होती है अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो कि 1.5 लाख के करीब निकल के आती है, काफ़ी मैसिव है सब्सिडी, राइट। और इस ये आपको अगर सब्सिडी का बेनिफिट लेते हो तो मिलता है 4.49 लाख में। ठीक है, अभी इस सब्सिडी में थोड़ा सा कैच है कि ये सब्सिडी जो शुरुआत में जो 600 किसान रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके लिए उनको बेनिफिट मिलेगा, और अप टू दिसंबर 2021 तक इसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अब अगर 600 से ज़्यादा लोग इस सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं
तो ये जो चीज पूल जो हो जाएगा ना वो पूरा लॉटरी सिस्टम पे बेस्ड हो जाएगा। लॉटरी निकाली जाएगी, जिन लोगों को 600 किसानों को मिलेगा उनको ये सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा, बाकी नहीं बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने आपको बता दिया। अब आप सोचो कि मैं तो दिल्ली से हूँ, या मैं पंजाब से हूँ, या मैं बिहार से हूँ, या मैं यूपी से हूँ, मैं खुद यूपी से हूँ, ठीक है, तो हमें तो ये कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन स्टार्ट कीजिए, जब ईवी सेंट्रल गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी आई, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी ईवी पॉलिसी निकाली, उसको देख के आपकी महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु कई स्टेट ने अपनी ईवी पॉलिसी निकाली, और अभी भी कई स्टेट ने नहीं निकाली है, जैसे गुजरात ने भी रिसेंटली निकाली है, कई स्टेट ने नहीं निकाली है, राजस्थान ने अपनी रिसेंटली निकाली है, यूपी में कोई सिग्निफिकेंट ईवी पॉलिसी नहीं है, बिहार में कोई ईवी पॉलिसी नहीं है, बाकी ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं है। तो वो धीमे 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 आपको क्यू में मिलेगी, धीमे धीमे लॉन्च करेगी। सो हरियाणा ने शुरुआत कर दी है, मुझे पूरी उम्मीद है किसान के फेवर्स में और भी स्टेट आएंगी और स्टेट्स में ये सब्सिडी बेनिफिट आपको मिलेगा। एक मैं नहीं बोल रहा हूँ 1.5 लाख तक मिलेगा, बट एक सम एक्सटेंट तक जरूर मिलेगा, आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 4 to 5 months में। ठीक है, ये चीज हो गई करेक्ट। आपके रेफरेंस के लिए सारे आर्टिकल मैं दे दूंगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से मिली है चीज़ें। अब एक जब ट्रैक्टर की आप बात करोगे ना तो एक कॉमन सा डाउट आपके दिमाग में आना ही आना है कि यार ट्रैक्टर तो पूरे दिन उसमें चलता है, पानी में चलता है या गीली मिट्टी में, मतलब मॉइस्चर जिसमें रहता है वहाँ पे चलेगा ही चलेगा, गारंटेड है। ठीक है, तो ये ख़राब तो नहीं होगा। तो उस चीज़ के लिए सबसे क्लियरली है, पहले तो जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आती हैं, कार बाइक वगैरह जो भी आती हैं, वो IP67 सर्टिफिकेशन के साथ आती हैं। ठीक है, उनमें कोई ना कोई सर्टिफिकेशन ज़रूर होएगा, ठीक है, वरना गवर्नमेंट ही अप्रूव नहीं करेगी। तो ये इसमें IP67 सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक ये आपके मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी आपका खेत वगैरह का वर्क है इस लेवल तक ये आपका ट्रैक्टर डूब भी जाएगा। ये आप लेवल देख रहे हो ना, यहाँ तक ये लेवल जो है, तो भी आपके ट्रैक्टर की मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर आर ड्यूरेशन तक भी आपका पानी में रहेगा, उसकी बैटरी वगैरह या इक्विपमेंट जो भी है वो नहीं खराब होंगे। जरूरी क्या होता है ना, अमूमन क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना उसमें जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक सामान होता है ना वो हाइटेड होता है, बैटरी नीचे रहती है, मतलब कुछ इस टाइप से प्रिपेयर करा जाता है कि बैटरी नीचे रहती है, बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ ऊपर रहती है, तो वैसा इशू नहीं आता। ठीक है, तो आप आराम से इस ट्रैक्टर को यूज़ करो, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। मैं तो बस एक चीज़ लेकर अमेज्ड हूँ, जैसे ईवी सेगमेंट में देखते हो तो बहुत सारी कंपनियों ने अपना एक बाइक आई तो हीरो ने, बाकी बहुत सारी कंपनियों ने अपनी अनरिवील कर दी, बट मैं देख रहा हूँ दिसंबर में ये ट्रैक्टर उन्होंने लॉन्च करा और अब तो काफ़ी जगह आपको मिलने लगा है कीमत पे ये मिल जाएगा, बट मैं देख रहा हूँ 6 महीने में बहुत बड़े बड़े ब्रांड, बाकी जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं उन्होंने नहीं लॉन्च करा। ठीक है, और छोटे छोटे एक दो कंपनियों ने लॉन्च करा है, बट वो उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा कॉम्पिटिशन की ज़रूरत है इस मार्केट में। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिक की बहुत सारी वीडियो है यार, आप चाहो तो उनको जाके देख सकते हो। थैंक यू।